विद्यार्थियों को व्यवस्था करने वाला जो होता है उसी को भारत में कुलपति कहते हैं, जो दुर्भाग्य से आज वाइस चांसलर हो गया हमारे। ये वाइस चांसलर कुछ अलग चीज है और कुलपति कुछ अलग चीज है। हमने तो रेड़ मार दिया ना अपने देश की भाषा और शब्दों का अंग्रेजी के साथ इक्वेट कर करके। वाइस चांसलर अलग शब्द है, कुलपति अलग। तो वेन्सान कह रहा है कि कुलपति भारत में वो होता है जो 10,000 विद्यार्थियों की व्यवस्था कर सके, और ऐसे 14 विश्वविद्यालय हैं जिनमें कम से कम 10,000 विद्यार्थी पढ़ते हैं, और उनका एरिया बता रहा है कि एक विश्वविद्यालय का एरिया कितना है, कमरे कितने हैं, और उनमें क्या क्या विषय पढ़ाए जाते हैं। 18 विषय पढ़ाए जाते हैं जिनका वो वर्णन कर रहा है, और वो कहता है हरेक विश्वविद्यालय की अपनी विशेषता है। कोई मिलिट्री एजुकेशन में एक्सपर्टाइज देता है, कोई मिलिट्री ट्रेनिंग में एक्सपर्टाइज देता है, कोई स्ट्रेटेजी के लिए एक्सपर्ट्स बनाता है, कोई वेद और पुराण में पारंगत बनाता है। ऐसे 14 विश्वविद्यालय का वर्णन आंखों देखा वेन्सांग की डायरी का, जो चाइनीज गवर्नमेंट ने अभी थोड़े दिन पहले पब्लिश की है और इंग्लिश में भी उपलब्ध है, उसमें से तो मैंने पढ़ लिया, देख लिया। और सिर्फ वेन्सांग नहीं, चेंग हो कह रहा है 14th सेंचुरी में जब आया, वो कहता है कि मैं भी देखता हूं कि एजुकेशन बहुत अच्छा है भारत में। और 1840s में ब्रिटिश पार्लियामेंट के ऑर्डर पर एक सर्वे किया गया भारत में, वो सर्वे का रिपोर्ट भी है 200 पन्ने का, वो रिपोर्ट मैं यहां लाया हूं। आप में से किसी को इंटरेस्ट हो तो फोटोकॉपी कर सकते हैं, नहीं तो मेरी सीडी ले सकते हैं, सीडी से कॉपी कर सकते हैं। वो रिपोर्ट बताती है अप टू 1840s भारत देश में 7,32,000 स्कूल, भारत में, टोटल भारत में, पूरा भारत। उस जमाने का भारत आप कहते हैं, मैंने पाकिस्तान भी भारत का हिस्सा है, बांग्लादेश भी उस समय भारत का हिस्सा है, और बर्मा का एक बहुत बड़ा हिस्सा भारत में है। तो अप टू 1840s भारत में 7,32,000 स्कूल, 11,377 कॉलेजेस हायर स्टडीज के भारत में है अप टू 1840s, माने भारत का जब सबसे गिरा हुआ समय है 1840। और मैंने जब ये पता करने की कोशिश की कि ये 7,32,000 जो स्कूल हैं ये है कहां, तो पता चला कि लगभग उतने ही गांव हैं उस समय भारत में जितने स्कूल हैं, माने हर गांव में एक स्कूल है। और एक अंग्रेज अधिकारी जिसने ये सर्वे किया उसका नाम है WG लिटनर, वो लिख रहा है कि 96% लिटरेसी रेट है भारत में अप टू 1840s, और वो कह रहा है कि हाईएस्ट लिटरेसी रेट भारत में साउथ में है, दक्षिण जिसको हम कहते हैं। पहले वो मद्रास प्रेसिडेंसी था, आज उसके चार हिस्से हैं, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र और केरल, पहले ये मद्रास प्रेसिडेंसी। तो अगर मद्रास प्रेसिडेंसी में तो लगभग 100% लिटरेसी रेट है, और डिस्ट्रिक्ट वाइज उसने किया, माइक्रो सर्वे है, बहुत बहुत माइक्रो लेवल। और सर्वे में उसने बताया कि कितने विद्यार्थी हैं, लड़के कितने हैं, लड़कियां कितनी हैं। और आप सुनकर आश्चर्य करेंगे कि लड़के और लड़कियों का परसेंटेज लगभग बराबर है अप टू 1840s, 54% लड़के हैं और 46% लड़कियां हैं स्कूलों में। हायर लर्निंग स्टडीज के जो सेंटर हैं 11,000 से ज्यादा, वो कह रहे हैं कि इसमें भी परसेंटेज लगभग बराबर है, माने शिक्षा ये है। और वो कह रहा है कि ये शिक्षा किसकी दे रहे हैं, तो वो कह रहा है कि ये शिक्षा जो है ऐसी शास्त्रों की है जो जीवन के काम आते हैं, जैसे मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं हम अप टू 1840s, फिजिक्स पढ़ाते हैं हम, एस्ट्रोफिजिक्स पढ़ाते हैं 1840s में इस देश में, जो आज कोई कल्पना नहीं करता, स्कूल में तो कोई कल्पना नहीं करता कि उसको एस्ट्रोफिजिक्स पढ़ाया जा सकता है, यहां पढ़ाया जाता है इस देश में। कंस्ट्रक्शन के लिए काम, इंजीनियरिंग पढ़ाया जाता है। और वो लिटनर कह रहा है कि भारत के इन स्कूलों में जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, वो पढ़ने के बाद करते भी हैं, उसको जो पढ़ाया गया उसको सीखते हैं और फिर करते हैं। वो एक उदाहरण दे रहा है कि भारत में 1840s के आसपास और उसके पहले जितने भी डैम्स बने हैं वो भारत के गुरुकुल के विद्यार्थियों ने बनाए। आपको कल्पना हो सकती है कि दुनिया का सबसे पहला डैम भारत में बना 12th सेंचुरी में, 1230 में, दुनिया का सबसे पहला डैम भारत में बना 1230 में, और ये डैम बना है तंजावुर में कावेरी नदी पर। आप आज जाइए, वो खड़ा है अभी भी, डैम खत्म नहीं हुआ है। उस डैम की विशेषता क्या है, आप में से कोई भी अगर तमिलनाडु के होंगे तो मेरी बात बहुत अच्छे से समझ आएंगे, नहीं है तो कभी एक बार देख आइए। नेहरू जी ने भाखड़ा नागल बांध को भारत का मंदिर कहा था, उनकी ही बात में कहूं तो भारत का वो सबसे बड़ा मंदिर है जो तंजावुर में बना है, कावेरी नदी पर है। उसकी विशेषताएं क्या है, सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वो दुनिया का पहला डैम है, दुनिया का पहला डैम है, कोई देश ने उसके पहले डैम नहीं बनाया। एक दूसरी विशेषता यह है कि वो डैम बनाने के समय नदी के प्रवाह को रोका नहीं गया, जो आज कोई सोच नहीं सकता,
और इंस्क्रिप्शंस में लिखा हुआ है, आप जाएंगे तमिल में लिखा है, एक पत्थर लगा हुआ है उस पर खुदा हुआ है, वो तमिल में है। मैंने उसका हिंदी कराया, अंग्रेजी कराया, उसका मतलब क्या, उसका मतलब ये है कि ये बांध बनाते समय नदी के पानी को रोका नहीं गया। आजकल क्या होता है, डैम बनाने के लिए आप कुछ भी शुरू करते हैं, इधर पानी रोकते हैं, इधर पानी रोकते हैं, बिना पानी रोके डैम बनाए। और वो ये कहते हैं कि चूंकि बहते हुए पानी पर हमने ये डैम बनाया, इसलिए इसका शेप दुनिया में यूनिक है, माने उसके शेप का दूसरा कोई डैम दुनिया में नहीं है। शेप क्या है, वो जिगजैग शेप का डैम, जेड होता है ना जेड, इस शेप में वो डैम बना हुआ है कावेरी नदी पर। तंजावुर अभी भी जिंदा है, मरा नहीं है, खत्म नहीं हुआ। अच्छा, मैंने बहुत सोचना शुरू किया कि इन लोगों ने ये जेड क्यों बनाया। ये एक सीधी सीधी स्ट्रेट लाइन में, जैसे आज हमारे यहां परंपरा है, भाखड़ा नागल डैम को देखो या हीराकुंड को देखो, एक सीधे स्ट्रेट लाइन में दीवार खड़ा कर दी पानी रोकने के लिए। इन्होंने सीधी दीवार क्यों नहीं खड़ी की, जिगजैग शेप में क्यों की? तो जो हमारे देश में इस विषय के जो विशेषज्ञ हैं, आप जानते हैं भारत में सबसे बड़ा विश्वविद्यालय रुड़की में, जो बहुत बड़ा एक्सपर्टाइज है जिनके पास ये डैम बनाने का, वहां के कुछ इंजीनियरों को मैं पूछने गया तो उन्होंने कहा ये कॉमन सी बात है समझने की कि जब आप सीधी स्ट्रेट लाइन में डैम बनाते हैं और नदी का बहाव बहुत तेज होता है तो उसके टूटने की संभावना सबसे ज्यादा, क्योंकि प्रेशर बहुत है। लेकिन जब आप इसको जेड शेप में बनाते हैं तो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है हर दीवार पे, तो टूटने की संभावना ना के बराबर है। माने इतनी अकल डैम बनाने में 12वीं शताब्दी के भारतवासियों को है। आज के हमारे इंजीनियर्स वो डैम नहीं बना पाते, वो सोच भी नहीं पाते। और जो डैम ये बना है 1230 में, वो आज तक सुरक्षित है, उसकी दीवार में कहीं एक क्रैक नहीं है। और उसमें दो ही चीजें इस्तेमाल की गई है, चूना और ब्रिक्स, पतली वाली ईंट लगी है उसमें, पत्थर भी नहीं है, पतली ईंट है और चूना है, उसी से जोड़ के बना है, बिना पानी को रोके हुए जेड शेप में है ताकि प्रेशर डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। माने बहुत ऊंची टेक्नोलॉजी इस क्षेत्र में हमारे पास रही है। फिर मैंने जानने की कोशिश की कि ये जो विदेशी आए हैं अध्ययन करने के लिए, एक चाइनीज है हिंदुस्तान में, चेंगो, वो कहता है कि मैंने भारत में आके ये जो विद्या है जिसको इनोकुलेशन कहते हैं, माने टीका लगाना, वो कहता है हमने भारत में आके सीखी। तो 14th सेंचुरी में चेंगो कह रहा है इस बात को, तो 14th सेंचुरी में इनोकुलेशन कहां कहां होता था भारत में, ये पता लगाने की कोशिश की, तो पता चला इनोकुलेशन का टेक्निक सिखाने वाले भारत में 23 इंस्टीट्यूशन थे 14th सेंचुरी। सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन था कुल्लू में, हिमाचल प्रदेश। फिर मुझे और इंटरेस्ट आया तो और थोड़ा सा आगे बढ़ा तो पता चला कि ये सिर्फ इनोकुलेशन ही नहीं सिखाते थे, बहुत कुछ सिखाते थे। भारत देश में 14th सेंचुरी में राइनोप्लास्टी सिखाई जाती थी, कोई कल्पना कर सकता है, सर्जरी की जो लेटेस्ट विद्या है आज के समय, राइनोप्लास्टी जो लेटेस्ट है आज के समय, वो भारत में 14th सेंचुरी में थी। और एक दो विश्वविद्यालय में, कई विश्वविद्यालय उसके लिए पारंगत थे। तो हेल्थ के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में भी भारत बहुत आगे है। और सर्जरी के बारे में तो सारी दुनिया अब मान चुकी है कि दुनिया में सर्जरी का फैलाव भारत से ही हुआ है। फिर मैंने ये जानने की कोशिश की कि ये जो सर्जरी सिखाने वाले कॉलेजेस हैं, ये इंस्ट्रूमेंट्स क्या इस्तेमाल करते होंगे सर्जरी के लिए, तो उनकी मैं लिस्ट बना रहा हूं आजकल, वो भी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर बना। तो अब तक मेरी लिस्ट में 317 इंस्ट्रूमेंट्स आ चुके हैं, लिस्टिंग कर रहा हूं मैं नाम के साथ कि क्या इंस्ट्रूमेंट किस काम के लिए है। पेट में कट लगाना है तो उसके लिए क्या इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल हो रहा है, किस क्वालिटी की स्टील इसमें लग रही है, नाम क्या है उसका, संस्कृत नाम क्या है और स्थानीय भाषा में उसका नाम क्या है। तो ऐसे 317 इंस्ट्रूमेंट्स इस्तेमाल हो रहे हैं सर्जरी में, माने कोई साधारण बात नहीं है। फिर बाद में पता चलता है कि ये जो सुश्रुत का विज्ञान है पूरा, सुश्रुत शास्त्र, वो तो आज से बहुत साल पहले लिखा गया, कम से कम 2500 साल पहले की डेटिंग है उसकी। तो ये सुश्रुत का शास्त्र अगर उस समय लिखा जा रहा है और सर्जरी का सबसे बड़ा शास्त्र भारत में माना जाता है, तो शायद उस जमाने में भी रहा हो जब 14th सेंचुरी के डॉक्यूमेंट्स हैं, 1840s के डॉक्यूमेंट्स हैं, तो हो सकता है 2000 साल पहले भी रहा ही हो। और फिर बाद में पता चलता है कि हम महाभारत की जब चर्चा करते हैं ना, तो महाभारत में एक प्रसंग है जो आप सब जानते हैं, लेकिन उस पर ध्यान देकर हम कभी चिंतन करें कि महाभारत में कौरव 100 हैं और सब एक ही शक्ल के। कैसे? मेरी दादी माँ मुझे महाभारत की जब भी कहानी सुनाती थी तो वो कहती थी 100 कौरव थे, 5 पांडव थे, सब कौरव एक ही शक्ल के थे। तो मैं दादी को यही पूछता था कि सबकी शक्ल एक जैसी कैसे हो सकती है।
और ये बात मैंने दादी से कही तो दादी ने कही, उसकी माँ ने उसको कही, उसकी माँ को पूछो तो उसने किसी से सुना, तो ये सुनते सुनते चला आया है। इसका आधार क्या है? 100 के 100 कौरव एक जैसे, लंबाई भी एक जैसी, चौड़ाई भी एक जैसी, चेहरे का हाव भाव सब एक जैसा, हाथ पैर सब एक जैसे, ये कैसे संभव है? ये तभी संभव है जब कोई क्लोनिंग टेक्नोलॉजी इस देश में रही होगी, अदरवाइज ये हो नहीं सकता। क्लोनिंग टेक्नोलॉजी, और हम अब तो मान चुके हैं महाभारत अब सिर्फ माइथोलॉजी नहीं, वो प्रूव हो चुका है। 5000 साल पहले महाभारत हुआ था, ये सभी ने मान लिया है। रामचंद्र जी के समय में लंका पर पुल बनाया गया था, ये अमेरिका ने भी स्वीकार कर लिया, नासा ने। उनको अभी एक दीवार मिली है जिसको उन्होंने स्वीकार कर लिया है कि हाँ ये वही दीवार है, और उसका डेटिंग किया गया है तो वो त्रेता युग का डेटिंग निकलता है जो रामचंद्र जी का समय है। तो ये सिर्फ माइथोलॉजीज नहीं है, हिस्ट्री है। और अगर ये सब रहा इस देश में तो इसका माने भारत सच में महान देश था। अगर इन सब का कुछ कंक्लूजन करें तो महान देश था, और हमारी महानता क्या थी? यही सब हमारी महानता रही है। लेकिन हम इस महानता को जान सकें, इससे हम वंचित रहे, क्योंकि हमने जो इतिहास पढ़ा है वो अंग्रेजों का लिखा हुआ पढ़ा है। और अंग्रेजों का इतिहास जिस व्यक्ति ने लिखा है, जेम्स मिल, वो खुद कहता है कि भारत को गुलाम बनाकर रखना है तो इनको गलत इतिहास ही बताना पड़ेगा, ये अगर अपना सही इतिहास जान लेंगे तो गुलाम ही नहीं होंगे। और जेम्स मिल से आगे बढ़कर मैकॉले कहता है अपनी चिट्ठी में, जो उसने बोर्ड ऑफ सेक्रेटरी रेवेन्यू को लिखी है, उस चिट्ठी का कॉपी है मेरे पास मेरे सीडी में, वो लिख रहा है मैकॉले कि भारत के लोगों को गलत इतिहास बताना है, गलत भूगोल पढ़ाना है, गलत अर्थशास्त्र पढ़ाना है। क्यों? क्योंकि गलत लोग हम भारत पर राज कर रहे हैं, वो खुद स्वीकार कर रहे हैं। वो अपने सेक्रेटरी को लिख रहा है जो सबसे बड़ा अधिकारी है उस जमाने, वो कह रहा है भारत के लोगों को गलत इतिहास पढ़ाना, गलत भूगोल पढ़ाना, गलत अर्थशास्त्र पढ़ाना, गलत कृषि शास्त्र पढ़ाना। क्यों? क्योंकि हम जैसे गलत लोगों के हाथ में इस समय भारत है, तो इनको सही तो कुछ नहीं पढ़ा सकते, क्योंकि अगर ये सही पढ़ने लगे, सही जानने लगे, तो ये तो हमारे कब्जे में आने से रहे, इसलिए इनको सब कुछ गलत पढ़ाना। तो वो सब कुछ गलत पढ़ाने के लिए अंग्रेजों ने जो कुछ किया है वो एक अद्भुत काम, एक कॉन्वेंट स्कूल सिस्टम इस देश में डाल दिया, जो अंग्रेजों के समय बहुत छोटा मोटा था और अब अंग्रेजों के जाने के बाद इतना बड़ा हो गया है कि भारत में अब कोई छोटा सा गांव नहीं है जहां पर कॉन्वेंट स्कूल ना हो। अब तो भारत में बजरंगबली कॉन्वेंट स्कूल है। हाँ, आप चलिए मैं आपको दिखाता हूं, मुंबई में ग्रांट रोड के स्टेशन के पास बजरंगबली कॉन्वेंट स्कूल है। कॉन्वेंट स्कूल होगा, हाँ, भगवान कृष्ण कॉन्वेंट स्कूल भी कहीं मिल जाएगा, ढूंढेंगे तो राम के नाम पे भी मिले। और उसको चलाने वाले व्यक्ति को मैंने पूछा कि ये बजरंगबली का कॉन्वेंट से क्या रिश्ता है, क्या रिश्ता है बजरंगबली और कॉन्वेंट का, तो उसको नहीं मालूम। तो अंग्रेज कभी छोड़कर गए जो कॉन्वेंट स्कूल, वो आज इतने हो गए हैं हिंदुस्तान में कि हर गली कूचे में, और उन कॉन्वेंट स्कूलों में जो कुछ पढ़ाया जा रहा है वो वही है जो मैकॉले लिखकर छोड़ गया, गलत इतिहास, गलत भूगोल, गलत अर्थशास्त्र, गलत शिक्षा शास्त्र, सब कुछ। और दुर्भाग्य से हमारे बच्चों को हम उनमें भेजकर गर्व महसूस कर रहे हैं कि ये कुछ आगे बढ़ने वाले हैं। मैं आपको भारत के बारे में एक बात तो बहुत दावे से कह सकता हूं, एक्सेप्शन को छोड़कर भारत के कॉन्वेंट के पढ़े हुए विद्यार्थियों ने भारत में कुछ भी खड़ा नहीं किया आज तक। और जो विद्यार्थी भारत में कभी कॉन्वेंट में पढ़ने नहीं गए, साधारण म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के स्कूलों में पढ़े, या कभी स्कूल ही नहीं गए, उन्होंने 60,000 करोड़ के एम्पायर खड़े किए हैं भारत। आप किसी का भी स्टडी कर लीजिए, धीरूभाई अंबानी का स्टडी कर लीजिए, बिरला जी का स्टडी कर लीजिए, 4 क्लास पास करके निकल गए राजस्थान के झुंझुनू जिले से, और वो बिरला जी के नीचे दुनिया भर के पीएचडी होल्डर्स और एमटेक होल्डर्स काम करते हैं 10-20 हजार की नौकरी पे। धीरूभाई अंबानी का कहानी हमारे सामने है, जमशेद जी टाटा की कहानी आप सुन लीजिए, जमशेद जी टाटा के बाद की पीढ़ी की बात नहीं करता, जमशेद जी टाटा की बात करता हूं जो नवसारी से निकले, और आप देखिए उनकी, जिन लोगों ने कभी कॉन्वेंट का मुंह नहीं देखा, जो कभी स्कूल में भी नहीं गए, जिनका कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं हुआ, उन्होंने हजारों करोड़ के एम्पायर खड़े किए हैं। उनमें से एक भरत भाई है जो बड़े गर्व से कहते हैं मैं कभी स्कूल नहीं गया।
भरत भाई की जिस बात से मैं सबसे ज्यादा प्रभावित हूं उनकी ये बात, वो बड़े गर्व से कहते मैं तो कभी स्कूल नहीं गया। और आप भरत भाई की क्वालिटीज जानते हैं, वो किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर से कम नहीं। फंक्शनल नॉलेज उनको इतना है कि वो किसी भी अच्छी इंडस्ट्री को रन कर रहे हैं और उससे भी बड़ी इंडस्ट्री को रन करने की कैपेसिटी है। और ऐसे बहुत लोग मिल जाएंगे आपको भारत में। अर्थात मैं कहना यह चाहता हूं कि अंग्रेजों के दिए गए कॉन्वेंट स्कूलों में से जो निकले हुए लोग हैं उन्होंने कभी देश में ऐसा कुछ करके नहीं दिखाया जो गर्व करने लायक हो कि देखो हमने ये कर दिया। ना तो बेसिक रिसर्च में कुछ किया आज तक, ना कोई बेसिक रिसर्च में किया, नहीं तो आईसीएस जैसी नौकरी में जाकर कोई ऐसा काम किया जो गर्व करने लायक हो। जो आईसीएस ऑफिसर ने भारत में कुछ गर्व करने लायक काम किए भी हैं वो सब म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के स्कूलों में से पढ़कर गए हुए आईसीएस ऑफिसर। ना कोई ऐसा इंजीनियरिंग का काम किया जिस पे हम गर्व कर सके। हाँ इतना जरूर है कि ये कॉन्वेंट स्कूलों से निकले हुए भारत के विद्यार्थियों ने बंधुआ मजदूरों की उस प्रथा को पुनर्जीवित कर दिया है सॉफ्टवेयर इंजीनियर के नाम पर, जो कभी अंग्रेजों द्वारा शुरू की गई थी। इस देश अंग्रेज थे ना इंडेंचर्ड लेबर यहां से लेके जाते थे, वैसे ही अब भारत में एक नई पौध बन रही है सॉफ्टवेयर इंजीनियर। वो सब गुलामों की तरह से जाकर अमेरिका और यूरोप में काम कर रहे हैं, कोई गर्व का काम नहीं कर रहा। और उनसे जब मैं कहता हूं कि भैया तुम सब सॉफ्टवेयर पे इतना क्यों लगे हुए, हार्डवेयर पे बात क्यों नहीं करते, अगर मास्टरी करनी है कंप्यूटर की तो हार्डवेयर पे जाना पड़ेगा, ये सॉफ्टवेयर तो कुछ भी नहीं है, उस पर बात क्यों नहीं करते, उस पर काम क्यों नहीं करते, तो सिखाया नहीं गया। क्यों नहीं सिखाया गया, तुमको रखा ही गया इसके लिए कि तुम वहां जाके उनके कंप्यूटर ऑपरेट करो। तो जिनको हम कहना नहीं चाहते लेकिन सही बात तो ये है कि हमने कुछ बॉडी शॉपिंग करने के लिए खड़े कर दिए हैं कुछ लोग जो दुनिया के दूसरे देशों में जाके नौकरियां करते रहे और उनकी जी हजूरी करते रहे, जैसे कभी अफ्रीका में हमने किया है। तो अंग्रेज छोड़ गए जो कॉन्वेंटियन एजुकेशन सिस्टम, उसमें मैकॉली खुद कहता है कि मैं भारतवासी ऐसे पैदा करना चाहता हूं जो शरीर से भारतवासी हो आत्मा से अंग्रेज हो, तो वही हमने पैदा किया। और दुर्भाग्य से उनकी जो पीढ़ी निकली है तो उनको ना भारत की समझ है, ना भारतीयता की समझ है, ना भारत की समस्याओं को वो जानते हैं, ना अपनी संस्कृति को पहचानते हैं, ना अपनी परंपराओं को जानते हैं, ना अपनी संभावनाओं को तलाश पाते हैं। वो हमेशा दूसरों की तरफ देखते हैं मदद के लिए, अमेरिका की तरफ, यूरोप की तरफ। अपनी तरफ देखना, अपने पैरों की तरफ देखना, अपनी जमीन की तरफ देखना उन्होंने बंद कर दिया। और उनके बारे में बात करते करते हम हमेशा अफसोस करते रहते हैं। हमें हमेशा अफसोस होता है कि हमारे बच्चों को गुजराती नहीं आती है, कोई कहता हमारे बच्चों को तमिल नहीं आती है, कोई कहता मलयालम नहीं आती है, कोई कहता तेलुगु नहीं आती है, अंग्रेजी आती है, फ्रेंच भी आती है, जर्मन भी आती है, लेकिन तमिल तेलुगु मलयालम नहीं आती। भरत भाई कह रहे थे कि उनके नाती को 67 बताना पड़ता है, 67 नहीं मालूम, उसको 67 बताना पड़ता है। 67 वो नहीं जानता है 67 क्या होता है, 79 नहीं जानता, 79 बताना पड़ता है, 89 और 79 का फर्क बताना पड़ता है। तो अफसोस हम करते रहते हैं क्योंकि निकली है वो पीढ़ी और उसमें उस पीढ़ी का कसूर नहीं है, उसको जो शिक्षा दी गई है वो वही है जो मैकॉले छोड़ के गया। और मैकॉले खुद कह रहा है कि भारत में हमें इंजीनियर पैदा नहीं करने, डॉक्टर नहीं बनाने, साइंटिस्ट नहीं बनाने, हमें कारकुन बनाने हैं। एक शब्द उसने इस्तेमाल किया कारकुन, कारकुन माने क्लर्क, तो क्लर्क पैदा करने के लिए वो छोड़ गया। दुर्भाग्य से वही भारत की आजादी के 57 साल के बाद भी चलती रही। तो भारत का इतिहास क्या रहा है एक छोटे में मैंने आपको बताया, और समस्याएं क्या है अब इसमें से निकलती है। इतिहास ये बताता है कि हम इतनी समस्याओं से घिरे हुए कभी नहीं रहे जो आज है। और ये समस्याएं आई कहां से है, ये मैंने आपसे कहा कि किस तरह से आई है इस देश में। विदेशियों के या तो गुलाम हुए, या उनकी लूट के शिकार हुए, या उनकी संस्कृति और सभ्यता में फंसे, तो समस्याएं पैदा हुई हैं। और समस्याएं वही होती हैं जहां तंत्र अपना हो, बुद्धि विदेशी हो। हमारे यहां तंत्र तो अपना रहा है जिसको हम चलाने की कोशिश करें, लेकिन बुद्धि हमारी वो है जो भारत के किसी भी समस्या से अपने को जोड़ नहीं पाती है, कोरिलेट नहीं कर पाती। हम भारत में बड़ा गर्व महसूस करते हैं कि चंद्रमा से आए हुए पत्थर के टुकड़े पर रिसर्च किया जाए, लेकिन कभी इस बात पे गर्व नहीं आता कि 6,32,000 गांव में जो गाय का गोबर उपलब्ध है, इस गाय के गोबर का भी कोई सदुपयोग हो सकता है क्या आज की जरूरत के हिसाब से।
चंद्रमा से आए हुए पत्थर पे अगर हमने कुछ रिसर्च कर भी लिया तो उससे भारत के आम आदमी का कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन गाय के गोबर पे कोई रिसर्च हो गया तो जरूर 6,32,000 गांव के काम का हो सकता है। उस पर हमारा दिमाग ही नहीं जाता है, चिंतन भी नहीं चलता है। मंगल पे जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए बहस होगी, डिबेट होगी, लेकिन गांव गांव में लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा है। 3 लाख ऐसे गांव है जहां पीने का पानी लेने के लिए 10 किलोमीटर जाना पड़ता है। इसके लिए कोई टेक्नोलॉजी क्यों इवॉल्व नहीं होती, इस पर हमारा दिमाग नहीं चलता। हुआ यही है कि हम अपनी जड़ों से कट गए हैं, हमारी हालत त्रिशंकु जैसी है, ना तो ऊपर गए ना तो नीचे रहे। और हम हिंदुस्तानी अगर पूरे अमरीकी हो जाते, यूरोपियन हो जाते तो ये प्रॉब्लम्स नहीं आती, ना तो हम अमरीकी हो पाए ना यूरोपियन हो पाए ना हिंदुस्तानी ही रह पाए, खिचड़ी हो गया, बीच में लटक गए। 100% अगर यूरोपियन हो जाते तो ये प्रॉब्लम नहीं आती और मैं आपके पास नहीं आता कभी बात करने के। और या 100% हिंदुस्तानी रह जाते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती, कुछ ना कुछ रास्ते निकाल लेते। हम तो बीच में फंस गए, ना तो इधर के रहे ना उधर के रहे। वो एक कहावत है ना, धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, वही हमारी हालत हो गई है। खासकर पढ़े लिखे हिंदुस्तानियों की ये स्थिति है। समस्याएं यहीं से शुरू होती हैं। बड़ी समस्या आ गई है करप्शन की हमारे देश में, एजुकेशन की एक बड़ी प्रॉब्लम है। 40% अभी भी इलिटरेट लोग हैं, जबकि 1840s में 96% लिटरेसी इस देश में है, रिकॉर्ड्स बताते हैं, अंग्रेज स्वीकार करते हैं। टेक्नोलॉजी में हम कितने ऊपर हैं, और आज टेक्नोलॉजी के लिए मारामारी हो रही है, विदेशों की तरफ हम भाग रहे हैं कि हमें कोई टेक्नोलॉजी मिले तो हम अपना कुछ काम करें। एक जमाने में इतना बड़ा ट्रेड करने वाले लोग, इतना बड़ा एक्सपोर्ट करने वाले लोग आज दुनिया में एक्सपोर्ट के लिए मारामारी कर रहे हैं। वर्ल्ड मार्केट में आज हमारा टोटल एक्सपोर्ट 0.1% के आसपास, 0.2%, 0.3% होता है, अभी थोड़ा बहुत बड़ा है 0.5% आ गया है, 1% अभी भी नहीं हो रहा है। और आज से 150 साल पहले हम 33% एक्सपोर्ट करने वाले देश थे, 27% एक्सपोर्ट वर्ल्ड मार्केट में चीन करता था, 33% हम करते थे। चीन और भारत का जीडीपी जोड़ दिया जाए 150 साल पहले का तो वो दुनिया के 3/4 जीडीपी के बराबर है 150 साल पहले। तो इतनी क्राइसिस हमारे देश में आज दिखाई देती है, ये क्राइसिस आई है यहीं से। और वो क्राइसिस के बारे में 2-3 बातें कहकर फिर सोल्यूशन पे आऊंगा कि क्या क्राइसिस यहां से पैदा हुई। जब अंग्रेज आए तो उन्होंने हिंदुस्तान को खत्म करने के लिए, तोड़ने के लिए कई कानून बनाए, जिस पर मैं पिछली बार आया था, बहुत विस्तार से मैंने बताया था। अंग्रेजों ने भारत का अर्थशास्त्र और उद्योग खत्म करने के लिए एक बहुत सुंदर काम किया, सुंदर काम उनके शब्दों में, हमारे लिए खराब काम। वो कहते हैं कि अंग्रेज एक अधिकारी है विलियम विल्वरफोर्स, वो पार्लियामेंट का स्पीकर है और भाषण दे रहा है और कह रहा है कि भारत को 1000 साल गुलाम बनाना तो पहले भारत का उद्योग खत्म करो, उद्योग खत्म करने के बाद राजनीतिक शक्ति खत्म करो, और ये खत्म करने के बाद संस्कृति खत्म करो। तो कोई उसको पूछता है विल्वरफोर्स को, विल्वरफोर्स का 3.5 घंटे का लेक्चर है, वो भी सीडी में है, आप चाहें तो उसे पढ़ सकते हैं। वो लेक्चर में कह रहा है विल्वरफोर्स के उद्योग भारत के खत्म करने हैं तो सबसे पहला काम करो कि ज्यादा से ज्यादा उस पर टैक्स लगा दो। तो कोई पूछ रहा है क्या क्या टैक्स लगाएं, तो बड़े सुंदर शब्दों में कह रहा है कि देखो भारत का कोई भी उद्योगपति कुछ भी उत्पादन करे तो सबसे पहले उत्पादन पे ही टैक्स लगा दो। तो अंग्रेजों ने सबसे पहला टैक्स लगाया सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी 1840 में। फिर कह रहा है कि जो व्यक्ति उत्पादन करेगा वो माल जरूर बेचेगा तो बेचने पर टैक्स लगा दो, तो दूसरा लगा दिया सेल्स टैक्स। फिर वो कह रहा है कि माल बेचेगा तो मुनाफा कमाएगा तो उसके मुनाफे पर टैक्स लगा दो, तो फिर लगा दिया इनकम टैक्स। फिर वो विल्वरफोर्स कह रहा है कि कोई भी हिंदुस्तानी उद्योगपति माल बेचने के लिए एक गांव से दूसरे गांव में जाएगा तो जिस गांव में जाएगा गांव में घुसते ही टैक्स लगा दो उसके। फिर वो कहता है कि गांव में आने जाने के लिए सड़क का इस्तेमाल करेगा तो उस सड़क का भी टैक्स लगा दो उसके। फिर वो कह रहा है कि अंग्रेजों की सरकार के बनाए गए पुल पर से जाएगा तो पुल का भी टैक्स लगा दो उसके ऊपर, टोल टैक्स, रोड टैक्स, एंट्री टैक्स, एग्जिट टैक्स। और वो कहता है इतने टैक्स लगा दो कि ये दे ना सके। तो एक एमपी पूछ रहा है तो फायदा क्या अगर हम इतने ही टैक्स लगा दें कि ये दे ना सके, तो फायदा क्या? तो विल्वरफोर्स कह रहा फायदा उसी में है, क्या है कि हिंदुस्तानी बहुत ईमानदार है तो टैक्स भरने की कोशिश करेंगे, ईमानदारी से टैक्स भरेंगे तो सब बर्बाद हो जाएंगे, और अगर टैक्स भरेंगे नहीं तो बेईमानी करेंगे, बेईमानी करेंगे तो कमजोर बनेंगे और कमजोरों को गुलाम बनाना आसान होता है। तो कह रहा हमारे दोनों हाथ में लड्डू हैं, या तो हिंदुस्तानी सब ईमानदारी से टैक्स भरेंगे तो बर्बाद हो जाएंगे, टैक्स नहीं भरेंगे तो बेईमान होंगे, बेईमान होंगे तो गुलाम बनाना आसान है, हमको तो दोनों ही काम करना। तब
पूरा पार्लियामेंट एक स्वर से कहता है हाँ आपकी बात स्वीकार, चलो कानून बनाना शुरू करो। तो अंग्रेजों ने 1840 से ये कानून बनाने शुरू कर दिए। विस्तार से मैंने पिछले लेक्चर में कहा था, सिर्फ इशारे से कह रहा हूं, यही कानून आज तक भारत में लगे हुए हैं। आपको सुनकर दुख होगा, मुझे बहुत कांटे की तरह से ये चुभता है। 1860s में जब सबसे पहले इंडियन इनकम टैक्स आया, अंग्रेजों ने 97% इनकम टैक्स लगाया था। माने आप 100 रुपए कमाई कर रहे हैं तो 97 रुपए अंग्रेजी सरकार को दीजिए, 3 रुपए अपने पास रखिए। और वो 97% इनकम टैक्स हिंदुस्तान में आजादी आने के 35 साल बाद तक लगा रहा, आजादी आने के 35 साल बाद तक लगा रहा। आज भी वो 35% आया है, इतनी लड़ाई झगड़ा सब करने के बाद 35% आया। मेरे समझ में ये नहीं आता कि इनकम पर टैक्स क्यों होना चाहिए, प्रोडक्शन पर टैक्स क्यों होना चाहिए। कोई आदमी अपनी पूंजी लगाकर, अपना दिमाग लगाकर, अपनी मेहनत करके समाज को उत्पादन करके दे रहा, उस पर टैक्स क्यों होना चाहिए? उसको तो प्रमोशन करने के लिए सरकार को और मदद करनी चाहिए, क्योंकि वो आपके रॉ मटेरियल को एक फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके दे रहा है, ये तो बहुत बड़े हुनर का काम वो कर रहा है। फिर मैंने सोचा कि ये भारत सरकार इतनी इनकम टैक्स लगाती है, फिर उसके पहले अंग्रेज लगाते थे, अंग्रेजों के पहले कितना था? आपको सुनकर हैरानी होगी, 10वीं शताब्दी तक हिंदुस्तान में कोई इनकम टैक्स नहीं था। और 10वीं शताब्दी तक ये हिंदुस्तान चलता रहा एक अर्थशास्त्र पर, जिसको चाणक्य अर्थशास्त्र कहा जाता है। चाणक्य मानता है कि इनकम पे तो टैक्स होना ही नहीं चाहिए। वो कहता है कि ज्यादा से ज्यादा टैक्स अगर लेना है तो कैसे लेना चाहिए। बड़ी सुंदर बात वो कहता है अपनी अर्थशास्त्र की किताब में। वो कहता है जैसे मधुमक्खी फूल में से रस लेती है लेकिन फूल को निचोड़ नहीं लेती, फूल में से उतना ही रस लेती है जिससे फूल भी बचा रहे और उसकी भी क्षुधा पूरी हो जाए, तो राजा को उतना ही टैक्स लेना चाहिए। तो कोई कहता है आप इसका परसेंटेज तय कर दो, तो चाणक्य कहता है 5% से ज्यादा टैक्स कभी नहीं होना चाहिए। और वो कहता है जब इमरजेंसी हो जाए, बाहरी हमला हो जाए, तो वो 5% का टैक्स मैक्सिमम 15% तक जाना चाहिए, इसके आगे वो भी नहीं जाना चाहिए। तो 10वीं 11वीं शताब्दी तक ये देश चलता रहा चाणक्य अर्थशास्त्र से, तब ये भारत सोने की चिड़िया हो गया। उसके बाद ये चला विदेशी अर्थशास्त्र से, माने विदेशी आए, उन्होंने रूल किया, नए नए टैक्स के कानून बनाए, उसके बाद अंग्रेजों ने तो सत्यानाश कर दिया, तब से ये देश गिरता चला गया। तो अंग्रेजों ने बहुत सुंदर तरीके से इस देश को खत्म किया टैक्सेशन के सिस्टम से। फिर वो अंग्रेज कहते हैं कि सिर्फ टैक्सेशन के ही सिस्टम नहीं, एक अंग्रेज अधिकारी जिसने ये ड्राफ्टिंग किया इंडियन इनकम टैक्स एक्ट का, जिसने ड्राफ्टिंग किया, वो कहता है कि ये इतना कॉम्प्लिकेट होना चाहिए कि किसी को समझ में ना आए, इतना कॉम्प्लिकेट होना चाहिए कि ये समझ में ना आए। हम समझ सके, माने अंग्रेज समझ सके, हिंदुस्तानी तो कभी ना समझे, इसको समझने के लिए भी वो हमारे पास आए, ऐसा कॉम्प्लिकेटेड को। तो इनकम टैक्स एक्ट जो बनाया गया वो गोल गोल जलेबी जलेबी वाली जो भाषा है, और मैं हिंदुस्तान के बड़े इनकम टैक्स लॉयर की बात को कोट कर रहा हूं, वो कहते हैं कि 40-40 साल इनकम टैक्स में प्रैक्टिस करने वाले भी कॉन्फिडेंस से नहीं कह सकते कि ये एक्ट उनको समझ में आ गया, इतना कॉम्प्लिकेटेड है। शायद ही दुनिया में कोई देश में इतना कॉम्प्लिकेटेड होगा, और सेंट्रल एक्साइज भी उससे कम कॉम्प्लिकेटेड नहीं। और भारत का कोई भी कानून आप पढ़ना शुरू करिए, कानून की पहली वाक्य पढ़कर आखिरी तक पहुंचेंगे, आपको याद नहीं रहेगा कि बीच में क्या है या पहले वाक्य में क्या है। इतनी क्लिष्ट भाषा क्यों? जानबूझ के, ताकि आपको समझ में ना आए। तो आप करेंगे क्या? इंटरप्रिटेशन के लिए अंग्रेजों के पास जाएंगे, तो डिपेंडेंसी उन पर ही रहने वाली है, और फिर अंग्रेज चाहे वैसे इंटरप्रेट करेंगे। तो भारत के कानून इस तरह से बनाए हुए हैं कि चाहे जैसे इंटरप्रिटेशन करा लो उसका। और उसी वर्ग में हिंदुस्तान फंस गया। तो गांधी जी ने कहा कि अंग्रेजों ने जो कानून बनाए उसका सबसे ज्यादा नुकसान भारतवासियों को हुआ, सबसे ज्यादा फायदा वकीलों को हुआ, और इसलिए गांधी जी ने अपनी वकालत की डिग्री जला दी 1915 में, बार एट लॉ की डिग्री जलाई थी गांधी जी। उन्होंने कहा भारत भूल जाए कि मैं बैरिस्टर हूं, क्योंकि ये वो वर्ग है जिसको अंग्रेजों ने पैदा किया है भारत के लोगों का खून चूसने के, कभी भी कानून की सही व्याख्या करके नहीं देगा ये वर्ग, ये गांधी जी का मानना था। और उसी वर्ग में आज भी पूरा देश फंस रहा है, पिस रहा है। परिणाम क्या है? भारत में जितने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, जितने हाई कोर्ट्स हैं, सब जगह 4,50,00,000 केस पेंडिंग है।
एक बार मैंने भारत के कानून मंत्री अरुण जेटली को एक प्रश्न पूछवाया था लोकसभा में एक एमपी की मदद से कि ये 4,50,00,000 केस जो पेंडिंग है इनका जजमेंट कभी आएगा, तो कानून मंत्री का जवाब था कि कम से कम 350 साल में इनका जजमेंट